हम इस वीडियो में बात करेंगे नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट 2021 के बारे में, अंडर ग्रेजुएट नीट के बारे में बात करेंगे, इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट नीट के बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों कमर कस लीजिए और इस वीडियो को शुरू करते हैं और ये जानते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म नीट यूजी का कब आएगा और नीट पीजी का कब एग्जामिनेशन होगा। दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं कि अपने देश में जितने भी एस्पिरेंट्स हैं नीट के, इनके चॉइस क्या है। ये आज की अपडेटेड न्यूज है कि ज्यादातर स्टूडेंट जो चाहते हैं, जो नीट के हैं, 2000 एस्पिरेंट्स नीट के एस्पिरेंट जो हैं, एक सर्वे कराया गया था जिसमें पाया गया था कि 24% जो स्टूडेंट्स हैं वो चाहते हैं मेडिसिन ब्रांच, 17% चाहते हैं डर्मेटोलॉजी में, 15% ऑप्टेड फॉर रेडियोलॉजी और 11% फॉर सर्जरी, 10% फॉर OBS एंड गायनेकोलॉजी, 8% पेडियाट्रिक्स और 6% रेस्पिरेटरी मेडिसिन, 5% ऑर्थोपेडिक एंड 2% ऑप्थोलोमोजी एंड 2% ENT। तो दोस्तों देख सकते हैं कि मेडिसिन अभी भी सबसे ज्यादा चाहने वाले लोग हैं, यानी मेडिसिन में जाना सबसे ज्यादा स्टूडेंट चाहते हैं। नीट का एग्जामिनेशन पीजी के होने वाले थे जो कि NBE लेती है, लेकिन अभी कोरोना के वजह से इसको टाल दी गई है, लेकिन ये चैप्टर यहाँ पर क्लोज नहीं होता है। आप देख सकते हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने अर्ज किया है, रिक्वेस्ट किया है कि प्लीज सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप एक्सपेडाइट कीजिए मेडिकल एग्जाम्स को, जो कि प्रोसेस करेगा स्ट्रेंथन द मेडिकल फोर्स। अभी कोरोना महामारी में डॉक्टर की बहुत ज्यादा जरूरत है और 1,74,886 कैंडिडेट्स ने नीट पीजी के लिए अप्लाई किया है। तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, आप लाइव मिंट की न्यूज देख सकते हैं, इसके अलावा एक और न्यूज एजेंसी का देख सकते हैं कि एक्सपेडाइट प्रोसेस फॉर होल्डिंग नीट पीजी 2021 फाइनल ईयर MBBS FMGE exams IMA to center। सेंट्रल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की जा रही है कि एग्जामिनेशन आप करवाइए। दोस्तों अब बात करते हैं यूजी के बारे में, अंडर ग्रेजुएट में। अंडर ग्रेजुएट के लिए बहुत ज्यादा क्यास लगाए जा रहे हैं, कुछ बच्चे ये चाह रहे हैं कि और एग्जामिनेशन आगे बढ़ जाए, लेकिन 1 अगस्त को पूरे सिलेबस के साथ होगी नीट की परीक्षाएं। और नीट की परीक्षाएं की बात करें तो फॉर्म कब आएगा, अभी तक फॉर्म होता है वो MBBS के लिए होता है, BDS के लिए होता है, BAMS के लिए होता है, BHMS के लिए होता है, BSMS के लिए होता है, BUMS के लिए होता है, नीट अंडर ग्रेजुएट। तो दोस्तों देखिए एप्लीकेशंस आने के लिए मीडिया का जो रिपोर्ट है, सोर्सेस के रिपोर्ट्स ये है, अभी तक कोई ऑफिशियल सूचना नहीं है, लेकिन विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो NTA नीट 2021 के एप्लीकेशन फॉर्म अप्रैल के चौथे सप्ताह यानी इसी सप्ताह जारी कर सकता है। इन खबरों के अनुसार नीट यूजी एप्लीकेशन फॉर्म 2021 भरने की प्रक्रिया जून के चौथे सप्ताह तक चल सकती है, यानी अगर आप समझ लीजिए कि आपको अच्छा खासा समय मिलेगा फॉर्म अप्लाई करने के लिए, और फॉर्म आने की उम्मीद है अभी जो बचे हुए 8 दिन है इस महीने में, अप्रैल महीने में, इसी में आने की उम्मीद है। यही सबसे बड़ी न्यूज है और मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि फॉर्म कब निकलने की उम्मीद है, तो ये दैनिक जागरण का रिपोर्ट माने तो इसी महीने के अंत तक, यानी आप समझ लीजिए कि ये 22 अप्रैल है, तो 22 से लेके 30 अप्रैल तक आने की उम्मीद है फॉर्म इसी महीने में, और आपको अच्छा खासा टाइम मिलेगा, जून तक आपको फॉर्म भरने का मौका मिलेगा और अगस्त में एग्जामिनेशन है। और आप देख सकते हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन रिक्वेस्ट कर रही सेंट्रल गवर्नमेंट की कि आप एग्जामिनेशन करवाइए, और अपने देश में NTA का जो फॉर्म है वो जल्दी रिलीज होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, हमें राय ज्ञान के फिर मिलेंगे, चलते चलते तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद जय भारत।